गुड मॉर्निंग आरके विज्ञान म्यूजिक कॉलेज कालवाड़ा में मेरे बच्चों आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार बालोटिया आपको आज राज्यपाल के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कहने का अभिप्राय जो राज्यपाल है, राज्यपाल 1653 राज्यपाल देखेंगे। जो राज्यपाल है, राज्यपाल अनुच्छेद 153 अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। लेकिन भारत में एक संविधान संशोधन किया गया और साथ में संविधान संशोधन किया गया और वो कब किया गया, 1956 में किया गया। उसमें ये बताया गया, उसमें ये तय किया गया कि एक राज्यपाल को दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बना सकते हैं। एक राज्यपाल को दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि भारत में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 में, लेकिन सातवां संविधान संशोधन हुआ और सातवां संविधान संशोधन में ये बताया गया प्यारे बच्चों कि एक से एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी उनको बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और कभी कभार बनाया गया भी है। जैसे राजस्थान का जो राज्यपाल थे पहले, राजस्थान के साथ साथ उसको गुजरात का राज्यपाल बनाया गया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अनुच्छेद 153 में एक राज्यपाल होगा, उसके बाद में अनुच्छेद 154 में ये कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका से क्रिया अनुच्छेद 154 में ये आप एक बार लिख सकते हो। इसके बाद में अनुच्छेद 154 में ये कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में होगी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपालों में होगी और राज्यपालों में होगी तो निश्चित तौर पर राज्यपालों में होगी तो निश्चित तौर पर भारत में जिस प्रकार से केंद्र में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है और कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक नाममात्र की कार्यपालिका, एक पिता, उसको इस प्रकार से देखें। एक दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका एक नाममात्र की कार्यपालिका, नाममात्र की कार्यपालिका दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो कहने का अभिप्राय यह है जो नाममात्र की कार्यपालिका होती है केंद्र में संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर होता है, राष्ट्रपति, और वास्तविक शक्ति की जो वास्तविक शक्ति का जो अध्यक्ष होता है उसमें कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उसी के समकक्ष राज्य में भी यही परिपाटी होगी, यही प्रक्रिया होगी। नाममात्र की कार्यपालिका में राज्य में ये देखिए पहले बच्चों में स्वयं पर मिटा रहा हूं, जिसे राज्य में कार्य नाममात्र कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राज्यपाल। और इसमें वास्तविक कार्यपालिका में प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री। तो क्या मुख्यमंत्री, तो अपन ये कह सकते हैं जिस प्रकार से केंद्र में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है उसमें कार्यपालिका में जो नाम मात्र है उसको सेवा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है।
ये भी राज्य में जो राज्यपाल होता है संविधानिक अध्यक्ष होता है और वास्तविक जो शक्तियाँ है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। तो कह रहे हो कि संसद में प्यारे बच्चों को आप क्लियर कर सकते हो, तो कार्यपालिका भारत में संसद संसदीय आत्मा क्या संसदीय व्यवस्था है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नामक की वास्तविक कार्यपालिका, नामक की कार्यपालिका में संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल अधिकार, वास्तविक कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका में केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आगे क्या है वो देखिए, राज्यपाल से संबंधित जो अन्य प्रावधान है प्यारे बच्चों देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति राज्यपाल की जो नियुक्ति वो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 20 अनुच्छेद के तहत प्यारे बच्चों 155 के तहत नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कहने का अभिप्राय ये कह सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति 155 अनुच्छेद 155 अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति करने के बाद में ये परंपरा नहीं है कि अनुच्छेद 155 के बाद में इसकी जो नियुक्ति होती है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में पहले जो बहस हुई उसमें यह कहा गया, इससे पहले जो अनुच्छेद 155 बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, पद पर आसीन। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति उसको बर्खास्त करता है, उसको कह सकता है। तो कहने का अभिप्राय भारत में संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था होने के साथ साथ राज्यपाल भी संविधान का रक्षक, राज्य में संविधान का रक्षक, संविधान का रक्षक राज्य में क्या संविधान का ये राज्यपाल क्या है, राज्यपाल संविधान का रक्षक और राष्ट्रपति का एजेंट और राष्ट्रपति का एजेंट या राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो कहने का संविधान का रक्षक क्यों कहा जाता है, संविधान का रक्षक इसलिए कहा जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति दी गई है। वो कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं, अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो कहने का अभिप्राय राज्य में ये अनुच्छेद 356 है, उससे इन अनुच्छेद 356 का राज्य में जो शक्तियां दी गई है, राज्य के जो प्रधान मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद है वह व्यक्ति अगर अपने संविधान के अनुसार कार्य करते हैं या अपने संविधान के अनुसार क्रियान्वित होता है और क्रियान्वित होता है और कार्य को सही ढंग से निभाते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब बात मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं या संविधान की शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं तो उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या देगा, ज्ञापन देगा या सूचना देगा कि किस जिस राज्य का वो राज्यपाल है बाकी जो राज्य की शासन व्यवस्था चरमरा गई है और संविधान के नियम कानून के अनुसार बाकी शासन व्यवस्था क्रियान्वित नहीं हो रही है तो आप वहां पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करें। तो कहने का मतलब इसलिए राज्य का प्रतिनिधि और राज्य का एजेंट इसलिए कहा जाता है और संविधान का रक्षक भी इसलिए कहा जाता है।
इसके बाद में राज्यपाल को बना, राज्यपाल का जो पद है उसको बनाने के लिए भारत में चार प्रावधान दिए गए। राज्यपाल पद को बनाने के लिए भारत में चार प्रावधान दिए गए। वो चार प्रावधान देंगे, उसमें ये बताया गया, पहले प्रावधान में तो यही कहा गया कि क्या राज्यपाल की नियुक्ति जनता के द्वारा की जाए। दूसरे प्रावधान में ये कहा गया क्या राज्यपाल की नियुक्ति विधान परिषद के द्वारा की जाए या विधानीय पालिका के द्वारा की जाए। तीसरा ये था क्या राज्यपाल की नियुक्ति विधानसभा के द्वारा की जाए, या भी चौथा जो प्रावधान था राष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाए। तो जो चौथा प्रावधान था उस पर भारत सरकार के द्वारा मुहर लगा दी गई और एक संविधान में एक उपबंध हो गया। और उसमें यह कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी, क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वो एक गरिमा का पद है, एक ऐसा पद है उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए किसी भी दल से राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का एक सर्वस्व रहा है, वो दोनों को न्याय करने वाला है। तो कहने का मतलब ऐसा पद हो जो राज्य और केंद्र के मध्य जो सामंजस्य बनाए रखे, राज्य और प्रधान मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के मध्य सामंजस्य बनाए रखे, ऐसा व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करे। और वो सबसे अच्छा प्रावधान को कौन सा था, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाए और उस पर भारत सरकार को मुहर लगा दी गई। उसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में ये कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति किस आधार पर की जाए, उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यता है वो देखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए वह भारत का नागरिक हो, देखिए वह नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता भारत का नागरिक, आयु 35 वर्ष से पूरी कर चुका हूं, आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हूं। दूसरा प्रश्न यह था कि पागल या दिवालिया संसद होता अगला चुनाव पॉइंट है। संसद का विधानमंडल मंडल का सदस्य ना हो, दोहरे मत सरकार के दोहरे मतदान सरकार के लाभ के मतदान सरकार के लाभ के पद पर लाभ के पद पर कार्यरत कहने वाला ये व्यवस्था है, ये योग्यता है। राज्यपाल बनने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए। उसी व्यक्ति को भारत के राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कौन कौन सी योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक हो। तीसरा है पागल में दिवालिया न हो। चौथा है संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य न हो। और उसके बाद सरकार के लाभ के पद पर कार्यरत न हो, सरकार के किसी अन्य पद पर कार्यरत न हो। अगर है तो उस पद से पहले त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसके बाद राज्यपाल बनेगा। सभी शर्त संसद के द्वारा निर्धारित की गई है, उन शर्तों को पूरा करता हो वह व्यक्ति राज्य का राज्यपाल बन सकता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि राज्य के राज्यपाल बनने के लिए योग्यता हो, मतदान के लिए वह व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। उसके बाद में राज्यपाल को जो शपथ है, उसके बाद राज्यपाल जो शपथ है वो देखिए
शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल बन गया, राज्यपाल बनने के बाद में उसको शपथ कौन दिलाएगा? जो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, और राजस्थान में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो देखिए यहाँ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अगर वो ना हो तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा, जो मुख्य न्यायाधीश के बाद में जो अन्य सीनियर या वरिष्ठतम व्यक्ति आता है, मुख्य न्यायाधीश वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बाद में जो सीनियर, सबसे सीनियर व्यक्ति वह मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है, क्वेश्चन आ जाता है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसमें कहीं घबराने को आपको कहीं पे भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आप देखिए पहले बच्चों, वेतन, देखिए भाई राज्यपाल को वेतन कितना दिया जाता है वो देखिए। राज्यपाल को वेतन राज्यपाल को वेतन 1,10,000 रुपये मासिक प्रति माह दिए जाते हैं। उसके साथ साथ अन्य सुविधाएं, अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। ये 1,10,000 रुपये राज्यपाल को मासिक वेतन दिए जाते हैं। ये संभावना की जा रही है कि हो सकता है राज्यपाल के वेतन और भी आगे ज्यादा हो जाए, शायद 3,50,000 के लगभग हो जाए। वो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, तो आप देख लेना या फिर अपना जो भी वीडियो आएगा तो अपन उसमें आपको बता देंगे। उसके बाद में जो त्याग पत्र है, त्याग पत्र देंगे। त्याग पत्र से पहले आप देखिए कार्यकाल, राज्यपाल का जो कार्यकाल है, कार्यकाल भारत में अधिकतर जो राजनीतिक पद है उनका सभी पदों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष। लेकिन समय से पहले भी वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, या जो व्यक्ति उनको नियुक्त कर रखा है, जिसे राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त कर रखा है, वो चाहे तो उसको पद से हटा सकता है। ऐसे मुख्य तौर पर 5 वर्ष निश्चित की गई है। इसके बाद में त्याग पत्र, राज्यपाल अपना त्याग पत्र है, त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देगा। कहने का अभिप्राय राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही दे सकता है, और जब उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाए उस स्थिति में, और या फिर जब तक कोई नया राज्यपाल उस राज्य का नहीं बन रहा तब तक वो अपने पद पर आसीन रह सकता है। बच्चों जो शपथ और जो त्याग पत्र राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति को ही देगा। इसके बाद में इन सब करने के बाद में जो राज्यपाल राष्ट्रपति जो नियुक्त कर रहा है उसके लिए, राज्यपाल के लिए दो स्वस्थ परंपराएं होती है, वो अधिकतर बार आ जाती है। आप उस पर कंटस्थ को चिंतन मनन करना और अपने दिमाग पर, अपने मस्तिष्क पर जोर देकर उसको अपने मस्तिष्क में बिठा लेना है। तो कहना चाहो राज्यपाल नियुक्त कर रहा है, राज्यपाल नियुक्त करने के लिए सर्वप्रथम दो स्वस्थ परंपराएं हैं, दो स्वस्थ परंपरा पूछ लिया जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए दो स्वस्थ परंपराएं, पहली परंपरा यह है जिस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं वह
उस राज्य का व्यक्ति नहीं। कहने का अभिप्राय यह है जिस व्यक्ति को राज्य राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जिस राज्य का राज्यपाल बनाने जा रहे हैं वह राज्यपाल उस राज्य का व्यक्ति ना हो और उसके उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम ना हो, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल कर सकता है। एक समस्त परंपरा यह है। दूसरी समस्त परंपरा यह है जिस व्यक्ति को जिस राज्य का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से राष्ट्रपति महोदय परामर्श लेते हैं और परामर्श लेने के बाद में ही उस राज्य के राज्यपाल नियुक्त करेगा, उस राज्य को राज्यपाल नियुक्त करेगा उस व्यक्ति को। कहने का अभिप्राय यह है पहला जिस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति महोदय जिस राज्य का राज्यपाल बनाने जा रहे हैं वो उस राज्य का व्यक्ति ना हो, अगर वो दूसरे राज्य का व्यक्ति हो और उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम ना हो। दूसरा जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाने जा रहे हैं जिस राज्य का वहाँ के मुख्यमंत्री से परामर्श ले तब जाकर ही उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये दो स्वस्थ परंपराएं हैं, कभी कभार आ जाती हैं, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये दोनों स्वस्थ परंपराएं आपको कंठ से याद करनी है। प्यारे बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति होने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल की जो शक्तियां शक्तियां बोले कार्य बोले या अधिकार बोले, क्वेश्चन यही आता है कि राज्यपाल के अधिकार या शक्तियां बताइए। तो सबसे पहले है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्ति इसमें यह कहा गया है कि जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन संविधान के तौर पर संपूर्ण शक्तियां राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के आधार पर की जाती है। उसी के मद्देनजर रखते हुए जितने भी नियुक्तियां हैं, जितने भी राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल की निहित होती है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के निहित होती है, वो देखते हैं राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्य की निहित होती है। राज्य की समस्त कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अधीन होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि संपूर्ण शक्ति का कार्य संचालन राज्यपाल ही करेगा, उसके बाद में राज्य के समस्त कार्य का संचालन राज्य के नाम से ही किया जाएगा। राज्यपाल के माध्यम से ही किया जाता है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी नियुक्तियां हैं राज्य में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। महाधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के जो कुलपति हैं उन सभी की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है।
उसके बाद में अपनी एक असर है कि जो पद से हटाना, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अन्य जो पदाधिकारी हैं उन सबको राज्यपाल के पद से हटा सकता है और कोई उनको नियुक्ति दे सकता है। उसके बाद में अपनी एक असर है कि जो राज्यपाल की जो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ हैं वो कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियाँ वो देखे एक बार, कार्यपालिका से संबंधित जो शक्ति है। उसके बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग भी राज्यपाल ही करता है। वो कब करता है? जब राज्य का सहकारी तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति को ज्ञापन देगा, और जब ज्ञापन देगा तो निश्चित तौर पर शासन प्रक्रिया को आगे राष्ट्रपति के पास भेजेगा। और अगर राज्य का सहकारी तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति महोदय वहाँ पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग होगा और संपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रपति के अधीन हो जाएगी और राष्ट्रपति राज्यपाल के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए संपूर्ण शक्ति राज्यपाल को सौंप देगा। उसके बाद में जो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों के बाद में अपने कह सकते हैं कि विधायी कार्य, विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ देखें, विधायी शक्तियों देखें राज्य के विधानमंडल का अंग होता है, ये राज्य का विधानमंडल का अंग होता है वो देखिए विधायी शक्ति। ये राज्य विधानमंडल का एक अंग है और उस अंग के तहत ही संपूर्ण कार्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर होगा। राज्य के द्वारा विधानसभा में एक सदस्य यदि अंग भारतीय वर्ग का प्रतिनिधि नहीं है तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को भी मनोनीत ही करेगा। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल का अधिवेशन बुलाना, उसका विधानसभा को भंग करना और अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल के पास होती है सभी शक्तियाँ। केवल अपनी ये कह सकता है कि राज्य में विधानमंडल का अंग, विधानमंडल का अंग होने के साथ साथ विधानसभा को भंग करना, वहाँ का अधिवेशन बुलाना और कानून से संबंधित शक्तियाँ उन पर पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल ही उस पर मोहर लगाएगा और मोहर लगाने के बाद उस कार्य को आगे क्रियान्वित कर पाएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियों में राज्य के राज्यपाल के नाम से प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यपाल की सहमति से समस्त धन विधेयक विधानसभा में रखे जाते हैं। कहने का अभिप्राय है राज्यपाल की सहमति से समस्त धन, समस्त जो बजट है, वार्षिक जो बजट है राज्यपाल के कहने पर ही उस पर प्रतिवेदन होता है, बजट राष्ट्रपति के कहने पर ही पारित होता है और कोई जो धन विधेयक है उस पर मोहर भी राज्यपाल के द्वारा ही लगाया जाएगा। उसके बाद अपन ये कह सकते हैं कि जो न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति, उस न्यायिक शक्ति में जो शक्तियाँ वो देखी गए बच्चों, राज्यपाल द्वारा किसी भी अपराधी को, राज्यपाल द्वारा किसी भी अपराधी को उसकी जो उम्र के लिए सजा है उस उम्र के लिए सजा को कम कर सकता है और मृत्यु, तो अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिल रखा है उसकी सजा को कम कर सकता है। इसके साथ साथ राज्य के जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के जो राज्य के उच्च न्यायाधीश हैं यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति, और उन नियुक्ति के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से ही की जाती है। इसके साथ साथ अन्य कार्य भी हैं वो देखे राज्यपाल की जो अन्य शक्तियों में अपनी कह सकते हैं कि वह अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राज्य में एक एजेंट की भूमिका निभाते हैं और इसके साथ साथ आयोग के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन करते हैं, महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन आयोग से संबंधित करते हैं। उसके बाद में अपनी कह सकते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। राज्य संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में ये सभी शक्तियाँ आने के बाद में अपनी कह सकते हैं क्या राज्यपाल की शक्ति संवैधानिक अध्यक्ष की है या संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक है, तो
अपनी कह सकते हैं राज्यपाल की जो संवैधानिक शक्तियां हैं संवैधानिक अध्यक्ष तक सीमित है। वो देखें संवैधानिक अध्यक्ष से अभिप्राय यही है कि वास्तविकता में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद राज्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सलाह के लिए होंगे, लेकिन वास्तविकता में उन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री के माध्यम से संपूर्ण कार्य का संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो राज्यपाल का पद है एक संवैधानिक पद का है, संवैधानिक पद तक ही सीमित है, लेकिन संवैधानिक पद से अधिक नहीं है। लेकिन अगर अपन अनेक परिस्थिति आ जाती है उसमें राज्यपाल की जो शक्ति है संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक ही है, वो कौन सी परिस्थिति है वो देखें। जब किसी राज्य में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले हैं ना मिलता हो, ऐसी स्थिति में संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका राज्य की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि राज्यपाल के कहने पर ही जो दल में जो भी पार्टी है उस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिला है उस पार्टी को वो सरकार बनाने के लिए न्योता देगा, और न्योता देने के बाद में अगर वो अपना बहुमत सिद्ध कर देती है तो ऐसी स्थिति में वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, अपनी शक्ति से विवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उसके साथ साथ अगर किसी दल में अगर किसी प्रकार का संघर्ष हो जाता है, किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल उनका समाधान अपने जो पद है उस पद की गरिमा को देखते हुए उसका निपटारा करेगा। उसके बाद में अगर दो पार्टियों को समान मत मिल जाते हैं उस स्थिति में निर्णायक मत भी प्रधानमंत्री राज्यपाल ही देगा। तो कहने का अभिप्राय अपने कह सकते हैं राज्यपाल की भूमिका श्रेष्ठ है, उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उसके अन्य विकल्प और है वो। तो पहले बच्चों अपने चल रहा था कि जो राज्यपाल की जो संवेक की शक्तियाँ हैं संवेक की शक्तियों में उसमें जो संवैधानिक अध्यक्ष के से अधिक का अभिप्राय यही था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री का चयन करता है, मंत्रिपरिषद का चयन करता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, ये सभी संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक हैं। तो और उसमें जो संवैधानिक अध्यक्ष के साथ साथ उसकी जो शक्ति है से विवेक की है, जैसे किसी दल में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिल पा रहा हो, या उसमें उसी दल की सरकार में अगर ये विश्वास की स्थिति आ जाए तो उसमें विश्वास मत प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में कांग्रेस सरकार में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मध्य मनमुटाव होने के बाद में फ्लोर टेस्ट किया गया, फ्लोर टेस्ट में उनको मनाने के बाद में वो मोहम्मद फिर सिद्ध हो गया। तो कहना मतलब इस प्रकार की स्थिति में किसी भी प्रकार के जो कार्य किए जाएंगे उसमें सर्वस्तरा राज्यपाल होगा। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, राज्यपाल संबंधी चैप्टर समाप्त हो गया। पहले बच्चों इसमें किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन मिस्टेक होती है तो उसमें आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल एक अच्छा टॉपिक है, उस टॉपिक के माध्यम से आपको पढ़ना है और भविष्य में आपकी जो ये भारतीय राज्य व्यवस्था है भारतीय राज्य व्यवस्था की जो बुक्स हैं वो आगे आप किसी भी कंपटीशन में काफ़ी सहायक होगी। जय हिंद, जय भारत।